हेलो ब्रिवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। फाइनली आईसीआर 2022 का रिजल्ट कुछ समय पहले डिक्लेयर हो चुका है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कैसे आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, कितना परसेंटाइल है आपके सब्जेक्ट में, टोटल परसेंटाइल कितना है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट आप कैसे देखना है। आप सभी को पता है एनटी की वेबसाइट है ntic.nic.in, अपने मोबाइल में गूगल में इसको सर्च करना है। आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ पेज दिखाई देगा, जैसे जैसे आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको डाउनलोड स्कोर कार्ड ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी 2022। स्कोर कार्ड चेक करने के यहाँ पर यूजी में क्लिक कर देना है, डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपको बताया पिछले वीडियो में, रिजल्ट देखने के लिए आपके पास में एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी होगा और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और इस आपको जो है पिन को इसमें एंटर कर देना है और फाइनली यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो सामने आपके आ जाएगा, ठीक। रिजल्ट देख करके बहुत ज्यादा भयभीत होने का आपको जरूरत नहीं है, रिजल्ट सभी का अच्छा आ रहा है, परसेंटाइल में आ रहा है। हमने आप पिछले वीडियो में बताया था जब भी एग्जाम कई शिफ्ट में होता है रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आता है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है रिजल्ट के बारे में कि आपकी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है और सब्जेक्ट बगल यहाँ पर डालना आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट लिखना है कमेंट सेक्शन में जाकर के कितना आपका हर सब्जेक्ट में परसेंटाइल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो या फिर पीसीए या फिर आपका सब्जेक्ट है एसीबी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको लिखना है कितना सब्जेक्ट में परसेंटाइल है। इसके बाद में फाइनली जो है वो टोटल परसेंटाइल आपका कितना आ रहा, ताकि ये हम बात करें कि 2021 परसेंटाइल के आधार पर कितनी रैंक बनी थी हम वीडियो में बात कर सकें। हालांकि अभी आपकी रैंक आएगी, ठीक है, उसी बेस पर आपका जो है काउंसलिंग होगी और आपका सिलेक्शन होगा यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। बात करें अगले वीडियो में हम जो है कितने परसेंटाइल कितनी रैंक बनी थी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।